कल भी आज भी देश का नंबर वन सिर्फ एक आज तक। मोटर ऑपरेटर हैं जी जी, तो आपने देखा होगा पिछली दफे जब बारिश हुई थी जी यहाँ काफी जल जमाव हुआ था जिससे वाटर वाले की मौत हो गई जी। इस बार दो दिन से लगातार बारिश के बावजूद यहाँ पानी जमा नहीं हुआ ना ट्रैफिक रुका जी। क्या आप लोगों ने ऐसा किया कि पानी इस बार नहीं रुका? सर ये इसलिए एक्चुअली मैं जो पहले साफ सफाई नहीं हुई थी, अब साफ सफाई हो गई है। सिविल वालों ने साफ सफाई, जल बोर्ड वालों ने साफ सफाई कर दी, इस कारण पानी यहाँ पे रुक रहा नहीं, इसलिए हम अपनी मोटरों को चालू करके रखे। क्या मोटर की संख्या भी आप लोगों ने बढ़ाया है या उतनी मोटर? उतनी मोटर है सर हमारी इतने मोटर जी। तो इससे पहले जो पानी यहाँ जमा हुआ था तो कहाँ गंदगी और गाद जमा रहता था जिस वजह से मोटर प्रॉपर काम नहीं कर पाता था? सर ये नालों की सफाई वगैरह नहीं हुई थी इस कारण तक से। अब नालों की सफाई वगैरह हो गई है, इस कारण पानी हमारी मोटर वगैरह चलती रहती है सर। उस घटना के बाद पूरे नाले को साफ किया गया। जी जी जी, कचरा प्लास्टिक बोतल जो जी जी। तो अब जैसे दो दिन से बारिश शुरू हो गई तो मोटर कैसे आप लोग चलाते हैं? नहीं पहले की तरह ही चला रहे हैं सर मोटरों को अपनी को। अच्छा। जैसे पहले चलती थी ऐसी चल रही है मोटर का सर। तो इस बार यहाँ पानी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा सर, बिल्कुल भी। क्या अब आपको लगता है कि भविष्य में मिंटो रोड में जल जमाव नहीं होगा, गाड़ियां नहीं फंसेगी, बसें नहीं फंसेगी, लोगों को जान नहीं गंवाना होगा? नहीं सर अब तो नहीं बिल्कुल फंसना चाहिए, वैसे साफ सफाई तो पूरी हो गई है अपनी तरफ से, तो पूरी कोशिश हुई है अपनी मोटर से, मतलब वो है हमें। आप लोग और अलर्ट रहते हो? जी जी जी, हमें तो अपना अलर्ट रहना पड़ता है सर। ये पंप ऑपरेटर सबसे ज्यादा पंप ऑपरेटर की जिम्मेवारी है सर जी। पिछली बार क्या हुआ था, क्या पंप नहीं, साफ सफाई नहीं हुई थी नालों की वगैरह, उस वजह से दिक्कत हो गई सर। पैसे जी वो नाले तो बैक मार रहे थे सर। कितने पंप सर? यहाँ पे चार पंप है, 75 हॉर्स पावर की, एक 40 एचपी का है। कितने साल से आप हुए हैं ड्यूटी पे? सर मैं 12 साल से हूँ। तो पिछली बार की घटना के बाद कोई दुख तकलीफ हुआ होगा आप लोगों को भी कि पानी नहीं निकल पाया? सर जब से ये यहाँ ऑफिस बन गया है ना, जब से ये बीजेपी का ऑफिस बना है, जब से थोड़ी दिक्कत हो गई, जहाँ से जो जब से कि क्लियर जो लाइन वगैरह थोड़ी दिक्कत हो गई है इस चक्कर में, पहले कोई दिक्कत नहीं होती थी सर। देखिए 19 तारीख को जब मानसून की पहली बारिश आई, पहली बारिश में मिंटो ब्रिज के नीचे घटना घटी, पूरा मिंटो ब्रिज पानी से डूब गया, बस डूब गई, और यहाँ तक एक थ्री व्हीलर का जो व्यक्ति था वो टेम्पो वाला, उसकी दुखद मौत भी हो गई। मिंटो ब्रिज पर पानी ना भरे उसके लिए 5 पंप लगे हुए हैं जिसको मॉनिटर करना पड़ता है, समय पर वो चले उसकी चिंता करनी पड़ती है। लेकिन दिल्ली सरकार की नाकामी और लापरवाही के कारण 19 तारीख को ना तो पंप चले, पंप नहीं चले तो पानी नहीं निकला, पानी नहीं निकला तो बस डूब गई और एक व्यक्ति की दुखद मौत हो गई। अगर आपको अंडर ब्रिज पे पानी निकालना है तो अपने पंप को मॉनिटर भी करना पड़ेगा, ये भी चेक करना पड़ेगा वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो व्यक्ति इसको चलाने वाला है उसकी 24 घंटे की ड्यूटी है कि नहीं है, क्योंकि बारिश तो कभी भी आ सकती है। उस घटना के बाद दिल्ली सरकार जो पहले उससे पल्ला झाड़ रही थी, बाद में उसने खुद माना कि मिंटो ब्रिज हमारे अंडर आता है, लेकिन क्योंकि हम उत्तरी दिल्ली नगर निगम के हमारे हेडक्वार्टर के सामने हैं, उसको हम भी लगातार मॉनिटर करते हैं, हमने भी अपना एक ऑफिसर अपॉइंट कर रखा है, जब भी बारिश आती है हम उस अफसर को भेजते हैं, वो जाकर चेक करता है पंप चला के नहीं चला, वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम संबंधित विभाग को लिख के भेजते हैं, और जो काम हमें अपने से करना होता है उसको भी हम करते हैं।